श्रावण महीने को पवित्र माह माना जाता है। इसी विशेष महीने में इंदौर के विष्णुपुरी स्थित गुरुद्वारे में भी विशेष कीर्तन और पाठ का आयोजन हुआ। पूरे महीने चले धार्मिक आयोजनों का समापन भी शबद कीर्तन और लंगर के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सिख धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया। श्रावण माह को पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने ईश्वर की आराधना को विशेष फलदायी माना जाता है। इंदौर में सिख समाज भी इस पावन महीने में कीर्तन और पाठ का आयोजन करता आया है। इसी श्रृंखला में इंदौर के विष्णुपुरी गुरुद्वारे में पूरे श्रावण महीने में विशेष धार्मिक आयोजन हुए। यहां सिख समाज की महिलाओं ने पूरे सावन महीने में कीर्तन और पाठ सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए। श्रावण माह के पूरे महीने हर शाम को गुरुद्वारे में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गुरुवार को श्रावण महीने के आयोजनों का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर शहर के सभी गुरुद्वारे से जुड़े लोग भी पहुंचे और पाठ के साथ कीर्तन का कार्यक्रम भी हुआ। इसके बाद लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर डिजियाना समूह के मुख्य अभिभावक श्रीमती सुरजीत कौर घुम्मन भी मौजूद थी। सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सावन का महीना ये उपासना और आराधना का महीना होता है। जिस तरह सावन की बूंदें जो झड़ी धरती पे पड़ती हैं तो धरती की उपजता और उर्वरता बढ़ती है, जिससे चारों तरफ हरियाली, खुशियां और उत्साह दिखाई देता है। उसी तरह ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए सावन के महीने का बहुत बड़ा महत्व है। सावन का ये जो समागम और कीर्तन है, ये सिर्फ हमारे विष्णुपुरी गुरुद्वारे में ही नहीं बल्कि इंदौर के समूह गुरुद्वारे में मनाया जाता है। कहते हैं ना हम कि जब कोई काम मिलजुल कर और जोड़कर करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और पजमन मेरे एको नाम जी सगल के आवे काम, मतलब एक ही समय में सिमरन, पाठ, कीर्तन सारी गुरुद्वारे में किया जाता है तो उसका फल हजार गुना बढ़कर हमें मिलता है और हम अपने व्यक्तित्व पर भी उसका असर देखते हैं। श्रावण के पूरे महीने में सिख समाज की महिलाओं ने लगातार अनेक आयोजनों को संचालित किया। ऐसे में आयोजनों के समापन पर्व पर सभी भावुक भी दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजियाना न्यूज, इंदौर।